हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम टाइप सी पढ़ेंगे आज। टाइप बी तक हमने पढ़ लिया था, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे हैं और आज के लिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो टाइप सी पे बेस्ड रहेंगे सारे के सारे। तो पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आप प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना दिया गया है तो वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो सारे वीडियो वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि प्राइस ऑफ सुगर राइज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट शुड बी द कंजम्पशन ऑफ सुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कह रहा है कि आपके पास में चीनी के मूल्य को हमने 20% बढ़ा दिया जाए और चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करें जिससे क्या हो कि चीनी पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो देखो, सिर्फ आपको एक डाटा यहाँ पे मिला है, वो क्या मिला है आपको क्वेश्चन में, वो है 20%। अब 20% डाटा मिला है, अब इसके हिसाब से हम कैसे आंसर को निकालेंगे देखिए, क्योंकि आंसर सिर्फ आपको परसेंटेज में ही पूछा है और परसेंटेज को रेशियो वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में बना के, और 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है। तो मैं क्या मानता हूं कि जब मूल्यों में 20% की वृद्धि हुई है तो मैं प्रारंभिक मूल्य इसको मान लेता हूं, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब भिन्न हम लेते हैं तो नीचे वाली चीज को हम प्रारंभिक मानते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि पहले चीनी 5 रुपए किलो मिलती थी और अब जो है 20% बढ़ गई, मतलब ऊपर वाली चीज प्लस करेंगे, पहले भी बता चुका हूं, तो ये अब 6 रुपए किलो आपको मिल रही है। अब ये कहता है कि पहले की जो खपत थी उसको कितना कम करें ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो परिवार का खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे केसेस में देखिए, वैसे तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे आपको यही ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज का जो रेशियो बन रहा है, जैसे 5:6 हुआ है, इसको जस्ट अपोजिट करके आपको लिख देना है। अगर आपको ये बोला जाए कि खर्च अपरिवर्तित है, तो पहले आप सपोज कर लीजिए कि आप 6 किलो की चीनी खरीदते थे और अब आप कितनी खरीदेंगे, अब आप सिर्फ 5 किलो चीनी ही खरीदेंगे, ठीक है, जस्ट इनको अपोजिट इस तरह से लिख देना है। तो यहां पे आपने देखा कि पहले ये आपके पास में क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, और उसके बाद में ये आपके पास में हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है। और इसके बाद आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 5 × 6 आपके पास 30, और ये भी 5, 6 × 5 ये भी 30, मतलब जो खर्च है आपके पास में, पहले भी 30 रुपए में हम खरीद रहे थे और अभी भी 30 रुपए में, लेकिन पहले 6 किलो खरीद रहे थे अब 5 किलो खरीद रहे हैं, पहले भाव 5 रुपए किलो था अब 6 रुपए किलो हो गया। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका खपत है, ये वाला कंजम्पशन है, वो कितना प्रतिशत कम हो गया। तो पहले देखिए 6 किलो 6 रुपए, 6 किलो चीनी खरीदते थे 6 किलोग्राम, अब 5 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो 1 से कम हो गया, और पहले कितना था 6, तो 1/6 × 100 परसेंटेज बनाने के लिए। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आराम से आप 50/3 लिख सकते हैं, उसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 16 2/3%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में आप इसे देख सकते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल इस तरीके से समझ में आया होगा, सिर्फ एक फ्रैक्शन मेन्यू हमने बनाया, इसमें हम समझने की जरूरत है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, किसको पहले मानना है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आसानी से आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इसे रिवाइज करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट द ओरिजिनल नंबर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या को 20% बढ़ाया और फिर से हमने 20% एक बार और बढ़ा दिया। अब जो संख्या हमारी फाइनली जो बढ़ गई, जितनी जो बढ़ाई गई संख्या है, उसको हम चाहते हैं कि वो वापस से उतनी हो जाए जैसे ओरिजिनल मान था, उसका जो प्रारंभिक मान था, तो उसको हम कितना प्रतिशत घटाएंगे। ये आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप 20% पहले बढ़ाए और फिर 20% यानी कि जोड़ के 40% आपका आंसर हो जाएगा, आप सोचें बहुत ईजी है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ 20% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए और आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं से कर पाएंगे। देखिए 1/5 होता है, तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो प्रारंभिक मान था वो 5 था, वो हमने 6 कर दिया यानी कि प्लस कर दिया, पहले 20% बढ़ाया, फिर अगेन 20% बढ़ाया, तो अगेन 5 × 6 20% हमने फिर से बढ़ा दिया। अब संख्या कितनी बन गई, जो इनिशियली संख्या थी और ये फाइनल मान लेते हैं, इनिशियली आपके पास में हो गया 25 और फाइनली आपके पास में हो गया 36, यानी कि संख्या 25 थी, हमने उसको 20% दो बार बढ़ाया तो वो 36 बन गई। अब हम चाहते हैं कि 36 को वापस से 25 बनाए तो वो संख्या को कितना प्रतिशत डिक्रीज करे, तो आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो हमें कितना प्रतिशत वापस आना पड़ेगा ताकि 25 बन जाए, यानी कि -11 करना पड़ेगा। अब देखिए 11 करना पड़ेगा
डिक्रीज इतना करना पड़ेगा, लेकिन किससे? 36 से। तो 36 इंटू 100, आप इसको सोल्व करेंगे, ये 4 से कट जाएगा आपके पास में, ये 9 हो जाएगा और ये आपके पास में हो जाएगा 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 275/9, और इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 35/9%। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे तो आप देखिएगा जब हम कंटिन्यू इसको रखेंगे इस सीरीज को, तो आगे आप देखिएगा कि बस सिर्फ आप फ्रैक्शन लगाइए और कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल पाइए। तो इसमें देखिए कहीं एक्स मारने की जरूरत नहीं है, किसी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन देखो, आराम से आप इस आंसर को कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य को 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सिर्फ यहाँ पे फिर से आपको पता है कि सिर्फ 10% आपको दिया गया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास 1/10 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 10% की कमी कर रहा है, तो पहले जो इनिशियल मान था किसी संख्या का वो 10 था और फाइनल मान आपके पास में डिक्रीज कर रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी और ये 9 हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 होता तो ये माइनस 2 करता आपने, फिर यहाँ पे 8 हो जाता। तो ये ध्यान रखना है इनिशियल मान ही आपके पास हो गया। अब ये बोलता है कि वो वैल्यू 9 होगी, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू वापस से 9 से 10 बन जाए, तो हमें कितना प्रतिशत वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो अब 10 में नहीं बढ़ाएंगे, अब 9 में बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 9 से बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो 11/9% आपके पास आंसर आएगा और इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को एक बार घटा के हमें बढ़ाने पे वही मान प्राप्त करने में हमें ज्यादा परसेंट की जरूरत होती है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कि 10% ही लगे, 10% घटा दो फिर 10% बढ़ा दो, तो उसमें हमेशा ज्यादा परसेंटेज की जरूरत होती है, वो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि ए प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20% देन द नेक्स्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, यानी कि किसी किताब का मूल्य पहले 25% हमने क्या किया घटाया, फिर उसके बाद में 20% बढ़ाया, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा, वो घटेगा वो बढ़ेगा या क्या होगा, ये तो खैर बाद में पता चल ही जाएगा। तो देखो सबसे पहले 25% आपके पास में सिर्फ आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन हुआ 1/4। हम मान लेते हैं इनिशियली जो बुक की वैल्यू थी वो 4 थी और फाइनली आपको क्या करना है यहाँ पे डिक्रीज करना है, तो ये माइनस करना है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस करने के बाद इसका मान हो जाएगा 3। पहले हमने डिक्रीज कर दिया, अब 20% इंक्रीज करना है तो 20% फिर उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको पता है 1/5। इनिशियली मान नीचे वाला होता है तो ये 5 आपने लिखा, उसके बाद इसको क्या किया आपने इंक्रीज, तो ऊपर वाला प्लस करके यहाँ पे लिखा 6, तो ये आपके पास में बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 4, ये आपके पास हो गया 20 और ये आपके पास में 6 × 3 आपके पास में 18 हो गया। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले इसकी जो प्राइस थी वो 20 थी, अब वो 18 बच गई है ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। तो अब इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है 2, पहले कितने था 20 और इंटू कितना करना है आपको 100 परसेंटेज बनाने के लिए, तो 2 से ये काट देना है 10 और 10 से ये कट जाना है, आंसर आ जाएगा आपके पास में 10%। लेकिन 10% क्या हुआ है आपको सीधा दिख रहा है, 20 से 18 हुआ है तो डिक्रीज हुआ है, तो 10% आपके पास में डिक्रीज, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि 10% की कोई और ऑप्शन आपके पास में दे दे कि इंक्रीज, तो यहाँ पे ये चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको डिक्रीज ही लगाना है। इतना तो आप समझ सकते हैं कि इनिशियल मान 20 है, फाइनल मान हमें 18 प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके पास में ऑलमोस्ट डिक्रीज ही होगा, करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25% बाय हाउ मच परसेंट ए कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, इसके कारण एक कार के मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, यानी कि पेट्रोल की खपत कितनी कम कर दे कि पेट्रोल पे जो खर्चा है वो पहले के जितना ही रहे। तो वही सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था कि आपके शुगर के दाम बढ़ गए तो शुगर को कंजम्पशन को कम कर दिया गया, तो इसी तरीके से करेंगे। 25% है आपके पास में, 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4 निकलेगा और ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको 100 से डिवाइड करने के बाद इसका फ्रैक्शन निकलता है जब भी आपके परसेंटेज वैल्यू हो। अब देखिए इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो मान होगा वो 4 था, इनकी जो प्राइस था आपके पास में पेट्रोल का वो पहले 4 रुपए लीटर था,
अब इंक्रीज होके आपके पास में फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर वाला वैल्यू प्लस होगा तो 5 आपके पास में हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू हो गया कि 4 से 5 हो गया। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि अगर आपको बोलता है कि वैल्यू सेम रखनी है तो आप इसको जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, इस तरफ करके इसको लिखेंगे तो ये 5 और इसको इस तरफ लिखेंगे तो ये 4। अब आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, इनकी इनमें कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यही आपको बोल रहा है कि उनकी खपत में जो पूर्वतः रही, यानी कि आपको क्या रखना है, सेम रखना है इन दोनों की। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, उसका फाइनल, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो फाइनली जो वो खर्च करता था किस पे, पेट्रोल पे। तो ये दोनों 20 रुपए पहले करता था, अभी भी 20 रुपए, लेकिन अब फर्क क्या हो गया, पहले वो क्या करता था कि 5 लीटर पेट्रोल लेता था, इसका जो कंजम्पशन है आपके पास में वो पहले 5 लीटर था, अब वो 4 लीटर ही करेगा। और यहाँ पे पहले वो 4 रुपए लीटर मिलता था तो 5 करता था, और 5 मिलता था तो 4 करता था। तो ये सेम हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है कि पेट्रोल के कंजम्पशन में उसने कितनी कमी कर दी, तो पेट्रोल पहले 5 था अब 4 लीटर ही कर रहा है, तो 1 लीटर का कमी कर दिया, कितने पे कर दिया, 5 पैसे। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और तो परसेंटेज निकालेंगे, ये 20% आपके पास आएगा। तो इसका आंसर आपके पास में बी डी ऑप्शन हो जाएगा, 20%। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इनिशियली और फाइनली में आपको ये क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से लिख लेना है। ये मान अगर वो बोलता है कि उसकी खपत में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके कंजप्शन में नो चेंज रहता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सोल्व कर लेना और बड़ी आसानी से आप इसका सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास में कि ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। द नंबर सो ऑब्टेंड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज, इनकी एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, उसके बाद में 10% बढ़ा दिया गया, और जो वास्तविक संख्या है वो पहले वाली संख्या से 50 कम प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि 10% है आपके पास में, इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है तो 1/10 हो जाएगा। वही सेम चीज करना है इनिशियली और फाइनली मान लेना है। पहले वो संख्या इनिशियली नीचे वाली मानना है, प्रारंभिक मान मतलब कि 10, उसके बाद पहले उसने क्या किया घटाया, तो 10 से आपके पास में वैल्यू हो जाएगी 9, क्योंकि ऊपर वैल्यू वाली जो आपको माइनस करनी है, घटाएगा तो माइनस जोड़ेगा, जोड़ेगा कब, जब आपको इंक्रीज करेगा। जैसे आगे बोल रहा है कि 10% बढ़ाया, तो फिर से फ्रैक्शन तो वही सेम रहना है क्योंकि परसेंटेज 10% ही है, तो 10 से अब बढ़ाया है तो फिर प्लस करो, प्लस करेंगे तो ये 10 से 11 हो गया। अब देखो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास में 100 है, मतलब प्रारंभिक वो संख्या कितनी थी, 100 थी, और उसके बाद में ये बोल रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99, मतलब अब क्या बोल रहा है कि वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे भी बोल रहा है वास्तविक संख्या कम है और हमारी तरीके से भी कम ही आई है, लेकिन हमारी तरीके से एक फर्क ये आया है कि वो कम सिर्फ एक हुई है और ये कह रहा है कि वो 50 कम हुई थी। तो हम इसको रिलेट करेंगे इस एक को इस 50 से, तो रिलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक जो है इस 50 का 50 गुना है। अब ये 50 जो है ना आप कहीं पे लगा दो, अब इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल उसका प्रारंभिक मान क्या था, उसका वास्तविक मान क्या था, तो ये आपके पास में है, इससे आप 50 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 × 100, ये आपके पास में हो जाएगा 5000। ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास में, सॉरी, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये आपके पास में सही जवाब इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 5000। इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, 100 to 99 हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक क्या है इसमें कम है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक कम नहीं है, 50 कम है, तो 50 से आप इसे रिलेट कीजिए। रिलेट किया तो हमने पाया कि ये एक इस 50 का कितना गुना है, 50 गुना है, तो ये 50 गुना जो है आपके पास में रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को आप किसी भी संख्या के साथ में, क्योंकि ये सारे रेशियो मान है, इन रेशियो मान के साथ में हमारा जो एग्जैक्ट मान क्वेश्चन में दिया गया है वो 50 है। अब एग्जैक्ट मान के साथ हमें रिलेशन जब पता चल जाता है तो हम उसमें किसी भी रेशियो मान के साथ में उसे मल्टीप्लाई करके उसका एग्जैक्ट मान हमें निकाल सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट मान आपके पास में आ गया 5000, और इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिस्पेक्ट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत को हमने 25% घटा दिया है, उससे क्या हुआ कि जो डेली बिकती थी उसकी सेल में बिक्री में 30% बढ़ गई। जैसे आपने देखा होगा ना कि सेल लगती है तो क्या होता है वहां पे कि जो प्राइस है वो कम हो जाती है, और जैसे प्राइस कम होती है तो उसकी सेल बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा बिकने लग जाती है, ठीक है। तो प्रतिदिन की आय का अंतर क्या हुआ,
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 25%, तो 25% का आपको फ्रैक्शन निकालना है, ऑलमोस्ट यू नो दैट 1/4 होगा। ये 25% घटाया है, तो घटाया है तो ये माइनस होगा, मतलब इनिशियली और फाइनली आपके पास में क्या क्या हो रहा है कि पहले जो वस्तु 4 रुपए किलो, 4 रुपए में मिलती थी, अब वो 3 में मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में उसकी बोल रहा है बिक्री, तो बिक्री के लिए 30% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो 3/10 होगा, यानी कि जो इनिशियल मान है वो 10 होगा। इनकी जो पहले वस्तु की बिक्री, ये समझ लीजिए जैसे 4 रुपए मिलती थी तो सिर्फ 10 बिकती थी, अब सेल 30% बढ़ गई तो प्लस कर दीजिए, यानी कि अब कितनी बिकेंगी, अब 13 आर्टिकल आपके बिकेंगे। तो टोटल आप देखिए 10 × 4 = 14, और ये 39, यानी कि जो आपके पास में फाइनल जो आपको मनी मिल रहा है, ठीक है, कितना पैसा मिलता था पहले, आप जब आपकी जो रेट थी 4 थी और 10 बिकते थे तो 40 रुपए कमाते थे, अब सिर्फ 39 रुपए कमा रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, एक की कमी हुई है। अब एक की कमी हुई है कितने पे हुई है, 40 पे, इंटू आपको कर देना है 100, ये आप करेंगे तो ये आपके पास में इसका जो मान आ जाएगा 2.5, ये आप लिख सकते हैं 2 1/2, सॉरी 2 1/5, तो 2 1/5% आपके पास में आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे देख तो पा ही रहे होंगे कि इनिशियली आपके पास में मान कितना था 40, फाइनली आपके पास में मान कितना हो रहा है 39, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसमें आपको डिक्रीज लगाना है बी ऑप्शन, ना कि इंक्रीज, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 2.5% है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज तो आप आंखों से देख सकते हैं कि पहले इनिशियल मान में 40 था, फाइनली 39 हुआ है, तो डिक्रीज ही हुआ होगा, तो 2.5% का आपको कमी हुआ है, और ये आपका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डेली सेल में आप पैसे कमाते थे उसमें 2.5% का आपको डिक्रीमेंट झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स दूसरा जो क्वेश्चन अभी आपके पास में है ये वाला, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाते हैं तो पहले ही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और इसको करके देखो, और उसके बाद में आप इस सॉल्यूशन को देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बताना। तो सबसे पहले आप देखिए कि द प्राइस ऑफ सुगर इज रिड्यूस बाई 20%, नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर सुगर फॉर 36 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सुगर पर किलोग्राम वाज। चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाती है सबसे पहले, तो उसके बाद एक व्यक्ति क्या करता है कि 36 रुपए में वो 500 ग्राम चीनी जो है अधिक खरीद पाता है, यानी कि पहले भी वो क्या करता था, जब भाव कम नहीं हुए थे तब भी वो 36 रुपए में चीनी खरीदता था और वो 500 ग्राम कम खरीद पाता था, लेकिन अब उसे 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास में प्राइस डिक्रीज होगी। तो वो क्या बोल रहा है कि उसकी जो चीनी का भाव है कितने किलोग्राम था पहले स्टार्टिंग में, आरंभिक पूछ रहा है, तो ये आप यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसका जो है प्राइस, उसके बाद में इसको आपको लिखना पड़ेगा जो व्यक्ति है इसने क्या कितना कंजम्पशन किया, तो कंजम्पशन हो गया, और इसके बाद में आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस मान लीजिए सबसे पहले 20% क्या हुई है कमी, तो 20% का आपको फ्रैक्शन में बताने की बार बार जरूरत नहीं है, 20% का 1/5 होगा, तो प्राइस जो है नीचे वाला इनिशियली होगा, तो मान लेता हूँ कि प्राइस पहले 5 था, अब कम हो गया, तो कम हो गया कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन में वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पे पहले तो हमारा क्या होता था कि उसका कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी तो देखिए पहले भी तो 36 में खरीदता था, यानी कि अभी भी 36 है और पहले भी 36 थी, तो इतना जो है आपके पास में समझ में आ गया कि जब एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे आपने लिखा 4 किलोग्राम मान लीजिए इसे, और इसे 5 किलोग्राम, हमने इसे किलोग्राम में लिया, इसने बोला भी है, तो हमने क्या सोचा, ये सर रेशियो मान है, ठीक है, अभी हम ओरिजिनल डाटा जो है उससे रिलेट करेंगे। अभी सोचिए पहले यहाँ पे आप सोचिए कि ये बोल रहा है कि पहले कोई व्यक्ति जो है 5x मान लीजिए प्राइस को, और ये इसको 4x मान लीजिए, एक्स इसलिए मान रहा हूँ ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करके आपको मान निकाल के बताऊंगा तो आपको आसानी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, पहले आपको 5 रुपए किलोग्राम, ये आप मान लीजिए 5x रुपए किलोग्राम में जब वो चीनी खरीदता था, तो वो 4 किलोग्राम चीनी खरीदता था और उसका खर्च जो है 36 आता था। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू डिवाइन नहीं है, नहीं तो आप ये सोचें कि 5 × 4 तो सर और कुछ ही होता, 36 नहीं होता, x की जब वैल्यू आ जाएगी, जब 5 × 4 करोगे तो आपके पास 36 ही आएगा जब x की वैल्यू आ जाएगी, अभी मैं करके वही बताने वाला हूँ। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है 20% कम हुई, 20% कम हुई तो 5 से 4 हो गई, तो 4x हो गई। अब क्या हो रहा है कि वो क्या कर पा रहा है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक, 5 किलोग्राम चीनी अधिक नहीं, 5 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है, तो वो बोल रहा है कि वो 500 ग्राम अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो 4 किलोग्राम खरीदा था, अब 5 किलोग्राम खरीद पा रहा है, वो तो 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है हमारे हिसाब से तो, लेकिन इसके जो मान है 1 किलोग्राम का वो 500 ग्राम है, ठीक है, यानी कि जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 है,
ठीक है, 1 किलोग्राम ये 0.5 किलोग्राम, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो 1 की वैल्यू 0.5 किलोग्राम है, तो हमें चाहिए इस 4 की वैल्यू। इस 4 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो 1 की वैल्यू अगर 0.5 है, तो 4 की वैल्यू आपके पास में कितना हो जाएगी, 0.5 × 4, और इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अब मल्टीप्लाई करिए, 5x × अब इसकी वैल्यू 4 नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है, अब 2, और इसका जो मान आ रहा है आपके पास में कितना आ रहा है, 36। अब ये आपके पास में क्या हो गया, 5 × 2, ये आपके पास हो गया 10x = 36। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 आपके पास आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास में आ गया, और ये जो 5x है वो क्या है, प्राइस है इनिशियली, और ये आपसे पूछ रहा है इनिशियली प्राइस क्या है। तो 5 × 3.6 आप करेंगे तो 5 × 3 = 0, 5 × 15 = 18, 18.0 ये आपके पास में आएगा। इसका आंसर आपके पास में बी ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा करने में मैंने टाइम लगा दिया, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे, बहुत ही कम समय में आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो मैं समझा रहा हूँ तब तो 2-4 मिनट आपको लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस में हो जाएगा तो बहुत ही कम टाइम में आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, और फिर से मैं आपको बता दूंगा अगर आपको फिर से दिक्कत होगी तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो आपको बोल रहा है कि यदि त्रिज्या में क्या करें, हम 5% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऑलमोस्ट आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr². अब 5% आपको दिया गया, 5% का फ्रैक्शन निकालो, 1/20 होगा। अब यहाँ पे देखिए, इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसका एरिया क्या था, एरिया आपके पास में a1 मान लेता हूँ, उसका एरिया फाइनली a2 था। तो यहाँ पे प्रारंभिक एरिया रेडियस मान रहा है, सॉरी रेडियस की बात हो रही है, तो r1 मान लेता हूँ इसको और r2 मान लेता हूँ। तो रेडियस में ही तो इंक्रीमेंट बता रहा है त्रिज्या में, तो यहाँ पे आपके पास में 20 था, अब इंक्रीज हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस होगी, ये आपके पास में हो जाएगा 21। ठीक है, अब एरिया निकला रहा है, तो एरिया हम यहाँ पे लिखते हैं πr1² πr2² तो एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, देखिए पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें भी है इसमें भी है तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2, तो r1 की वैल्यू आपके पास में 20 है, तो 20² ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता था मैं डायरेक्ट बता सकता था कि 20² और 21² और यहाँ पे 21² बाद में आपको भी करने की जरूरत नहीं होगी, अभी आप समझ लीजिए, बाद में आप आसानी से आप इसे डायरेक्ट कर पाएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 400, इसको स्क्वायर करेंगे 441। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। अब यहाँ पे आप देखिए, क्षेत्रफल पहले जो इनिशियली आया वो कितना 400, फाइनली कितना है 441, कितना बढ़ गया 41, लेकिन 41 बढ़ा तो है, लेकिन कितने से बढ़ा है, 400 से, तो 400 × 100 तो कितना प्रतिशत बढ़ा, यहाँ से आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 41/10 4 आपके पास में आएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 10.25। ठीक है, तो 10.25% आपके पास में आया, और ये आपके पास में ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका जवाब ए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको पाई वाई की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिखा है। आप सीधा क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पे 5% दिया, इसका फ्रैक्शन आया 1/20, यानी कि 20 से 21 हुआ होगा, और एरिया है, तो एरिया आपको पता है कि ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर होगा, सीधा आप लिखते हैं 400 से 441 हुआ, डिफरेंस 41 41/400 × 100 बस सोल्व करते आपके पास में आ जाता 10.25%। बस इतना आपको करना था, ये सब नहीं करना था, अभी मैंने आपको सारी चीज समझा दी, अब आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन एंटिक इज रिड्यूस बाय 20% एंड देन द प्राइस इज अगेन रिड्यूस बाय 10% देन टोटल रिड्यूशन इज ऑफ द प्राइस। यानी कि सबसे पहले पुरानी वस्तु के कीमत में हमने 20% की कमी कर दी, फिर एक बार फिर 10% की कमी कर दी, तो टोटल कमी कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 20% का फ्रैक्शन निकालो, यहाँ पे आपको पता ही है 20% फ्रैक्शन 1/5। तो यहाँ पे इनिशियली और फाइनली क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, सबसे पहले क्या किया, 5 से यहाँ पे कम किया है, तो 5 से -1 ऊपर करेंगे 4 हो गया। फिर बाद में 20% आपके पास में हो गया, 10% आपको क्या करना है, फिर से कम करना है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 से क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है, तो 10 से फिर 9 हुआ क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो दोनों आपने कर लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, ये आपके पास हो गया 50, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में हो गया 36। टोटल आपको दिख रहा है कि 50 से वैल्यू कितनी हुई है, 36, तो कितना डिक्रीज हुआ है आपके पास में, 14। कितने से डिक्रीज हुआ है, 50 से डिक्रीज हुआ है, × 100। आप इसको काट दीजिए, 2 टाइम चला जाएगा, 14 × 2 28 आपके पास में आ जाएगा, 28%, और ये आपके पास डी ऑप्शन में दिया गया है 28%। तो आपको ये पूछ रहा था कि टोटल कितना प्रतिशत घटा है वो, ठीक है, प्राइस,
आपको देखिए कई बार आप देखेंगे कि आर्टिकल पे आपको क्या बोलता है कि मैं 10% की आपको डिक्रीज दे रहा हूँ, फिर वो बोलता है फिर से 10% की दे देता हूँ। तो आप ये बोला करो कि मुझे एक साथ ही 20% की दे दो। ये जो 10% और 10% दो बार मिला के है वो एक्चुअल में 20% नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज हमने 10 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट किए टाइप सी के, और ये भी बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहे होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम आपको लग गया होगा सीखने में, लेकिन आप इसे आसानी से कर पाएंगे इसको अगर आप एक बार फिर से रिपीट करके देख ले तो, ठीक है? थैंक यू सो मच आपने इतनी देर तक देखा। तो अब वीडियोज को आपको क्या करना है, लाइक, साथ में आपको करना है वीडियो को शेयर, और कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह के कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए बोलें जो भी डिफेंस वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।